पिरामिता रोड स्थित काछिया पोल में बारिश के चलते आज सुबह एक मकान ढह गया। इस हादसे में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हुई है। कल शाम से जम के बरसी बारिश के कारण राजमहल रोड पर पिरामिता रोड के नजदीक काछिया पोल में एक पुराना जर्जरित दो मंजिला मकान आज सुबह करीब 6:30 बजे ढह गया। इसका मलबा पड़ोस के मकान पर गिरा। इस हादसे की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड ने स्थल पर पहुंचकर परिवार के चार लोगों में से 82 वर्षीय महिला सुशीला बेन वैद्य को बचा लिया है, जबकि बाकी तीन कविश वैद्य, कुणाल वैद्य और श्वेता वैद्य को SSG पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया है। हादसे की खबर लगते ही पुलिस के उच्चाधिकारी पहुंचे और स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी पहुंचे। उन्होंने घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मकानों को VMSS ने नोटिस दिया है। यहां पर एक मकान जो जर्जरित हालत में था उसको नोटिस भी दिया हुआ था। इस घटना के लिए मैं आपके माध्यम से खेद व्यक्त करता हूँ। साथ में चार लोग थे घर में, इनमें एक मासी को बचाया गया है। पूरे शहर में जितने भी ऐसे घर है वहाँ नोटिस दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से घर के मालिक है अपना घर कैसे रिपेयर करना है वो उनकी बात है। जिलाधीश डॉक्टर विनोद राव भी स्थल पर पहुंचे और परिस्थिति का मुआयना किया। उनका कहना है कि ऐसे 70 जर्जरित मकानों को VMSS ने नोटिस दी है। जर्जरित मकानों की परिस्थिति बाबते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ थी कार्यवाही करवामां आवी छे, पण केटलाक कायदाकीय गुंचवटोना कारणे एमां विलंब थता होय એટલે એ પણ કઈ રીતે નિવારી શકે એ દિશામાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે મળીને આવતા દિવસોમાં કાર્યવાહી કરશે। મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મને કહેવામાં આવ્યું છે કે લગભગ 71 મકાનો આ પ્રકારના છે, જેને આ લોકોએ નોટિસો પણ આપ્યા છે। હવે જોઈએ કે કઈ રીતે એને એક્સપેડાઇટ કરીને જમીનો ઉતારવાના કાર્યવાહી કઈ રીતે કરી શકીએ। ઉમરલાયક માજીને જીવતા કાઢવામાં સફળતા મળી છે। બાકીના ત્રણ વ્યક્તિઓ રાતનો સમય સૂતા હતા અને ઉપર સ્લેબનો ભાગ પડી જવાથી ડેબ્રીઝમાં દગાયા હતા। લગભગ 1-1.5 કલાકની મહેનત પછી ફાયર બ્રિગેડે ત્રણેયની બોડી કાઢી નાખેલી છે। મકાન જૂનું હતું, ઇલેક્ટ્રિકલ આઇસોલેશન, ગેસ આઇસોલેશન બધું કરાવી દીધું। પ્રાપ્ત સમાચાર અનુસાર મ્યુનિસિપલ કમિશનરને એસે જર્જરિત મકાનો કો તત્કાલ ઉતારને કા આદેશ દિયા હૈ।